बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय प्रथम वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर। दो संख्याओं से मिलकर बनती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। पिछली कक्षा में आपने पढ़ चुके होंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है उसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, जिसे पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके और क्यू जीरो नहीं हो, जिसे पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके और जहां पर क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके। पी बाय क्यू का मतलब क्या हुआ? अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके। और हर क्या होता है? जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब पी बाय क्यू की फॉर्म का मतलब क्या हुआ? एक भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि नहीं। और अपरिमेय जिसे पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, जिसको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं। इस पॉइंट पे है यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका क्या होती है। अब प्रमेयिका को क्या कहते हैं इंग्लिश में? लेमा कहते हैं। अब लेमा के ऊपर थोड़े से विचार कर लेते हैं, विचार विमर्श कर लेते हैं प्रमेयिका क्या होती है। जैसे प्रमेय क्या होते हैं? सबसे पहले प्रमेय थ्योरम क्या होती है? जैसे किसी मैथमेटिशियन ने किसी टॉपिक पे रिसर्च करा, किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करा और उसने अपने रिसर्च के जो भी उपपत्तियां प्राप्त हुई हैं उसको थ्योरम का रूप दे दिया। लेकिन अगर किसी अदर बंदे का, किसी दूसरे व्यक्ति का हम थ्योरम प्रमेय का यूज करके अपनी कुछ बातों को सिद्ध करेंगे, उसी को क्या कहते हैं? प्रमेय क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रमेय का, ठीक है ना। बात क्लियर हो रही है? मतलब दूसरे के कोई भी थ्योरम या सिद्ध की गई बातों को हम अपने बातों के सिद्ध करने में या किसी सिद्धि की प्राप्ति के लिए हम कुछ भी उसका प्रयोग करेंगे, उसी को क्या कहेंगे? प्रमेयिका कहेंगे। बात क्लियर होगी? अब थोड़ा सा इरेज करते हैं, टॉपिक के बारे में आ जाते हैं फिर से दोबारा। प्रमेयिका क्या है? जैसे ये कौन से थ्योरम से ली गई? पहले भाई डिवीजन आ गई थी, डिवीजन विभाजन आ गया था, भाग देना आ गया था और उस भाग देने से हमने ये सारी चीजें सीखी हैं, ठीक है ना। प्रमेयिका हमने कहां से प्रमेयिका हम सबसे पहले भाग से सीखे हैं और उस भाग का प्रयोग हमने करा है, तो ये पूरा बना यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसको कहते हैं इंग्लिश में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। अब इसके बारे में, ये लेमा क्या कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है? दो, पहले हाइलाइटर यूज करते हैं, साथ साथ में समझाते चले जाएंगे। दो धनात्मक संख्या है, दो धनात्मक पूर्णांक है, कौन कौन से? ए और बी है, कौन कौन से? ए और बी, ठीक है। इसके दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं मतलब जो जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, पूर्ण संख्या आपने 9th क्लास में पढ़ लिया होगा, Q और R विद्यमान है और इस फॉर्म में कौन से? A इक्वल्स टू B इंटू Q प्लस R, ठीक है ना। और जो R है
बी के। अब ये तो हमने थ्योरेटिकल बातें सीखी हैं, ये भाई कागजी बातें, हमें पल्ले नहीं पड़ा है, तो हम समझने का प्रयास करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अब आप देखिए भैया, जैसे कोई नंबर ले लीजिए आप, 3 से भाग करते हैं 16 को, 17 को कर दो, 3 से भाग, 3 × 5 = 15 या कितना होता, 2। आज तक हमने ये सीखा है, ये हमें पता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भाजक, इसको भाज्य, इसको कहते हैं भागफल, और इस वाले पॉइंट को कहते हैं शेषफल। यहां तक बात समझ में आ रही? और हमें जब टीचर कहते थे कि आप भाग की जांच कीजिए, तो हम क्या करते थे, लिख देते थे भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। ये क्या हो जाता था, भाज्य आ जाता था। जैसे भाज्य क्या है, 17, भागफल 5, 3 भाजक, और शेषफल कितना, 2। यहाँ हो गया 15 + 2, ये भी 17 आ गया। तो ऐसे हम भाग की जांच करते थे, ठीक है ना। बस इन्हीं सारी बातों का प्रयोग करके हम एक रूल बनाते हैं। अब इसका क्या है, ये क्या कह रहा है, रूल कैसे बनेगा भाई, हमने ये जो भाज्य है इसको हमने क्या मान लिया, ए, क्या माना, ए। भागफल को क्या माना, हम भाजक को क्या माना, बी। भागफल को क्या माना, क्यू, और इसको क्या माना, आर। बात समझ में आ रही है, भागफल को हमने माना क्यू, शेषफल को आर, और इसको बी, और भाज्य को ए। भाई भागफल का इसको कैसे याद करेंगे, कोशंट, कोशंट मतलब होता है भागफल, रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल, ठीक है ना। और बी, वैसे इसको डिवाइजर कहते हैं, और इसको कहते हैं, ए जो है इसको डिविडेंड कहते हैं इंग्लिश में इसको डिविडेंड कहेंगे, डिविडेंड, और इसको कहेंगे डिवाइजर। बात क्लियर हो? अब इन्हीं का ही प्रयोग कर देंगे, बस ये रूल सेम रहेगा, बस इन्हीं का प्रयोग करेंगे। ए हमने भाज्य को क्या माना, ए, भागफल पहले रखो और भाजक उल्टा रख दो, तो भाजक क्या होगा, बी गुणा क्यू प्लस आर, हमने जो शॉर्ट नाम रखा है बस उन्हीं को यूज कर लेते हैं। तो अब कैसे बन गया, ये बन गया। लेकिन आपने हमेशा देखा होगा कि जो शेषफल होता है, शेषफल रिमाइंडर जो आएगा, हमेशा 3 से भाजक से छोटा होता है, एक छोटा होता है, कम से कम एक छोटा होता है, या तो 0 आ सकता है, या 1 आ जाएगा, या 2 आ जाएगा। तो हम इसका मतलब क्या है, इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो रिमाइंडर है, शेषफल है, 0 हो सकता है, इसका मतलब हो सकता है बराबर का साइन आ रहा, और बी तक, भाजक तक हो सकता, भाजक से 1 कम होगा। तो यहाँ पे हमने क्या साइन बराबर का नहीं दिया, मतलब ये भागफल नहीं आएगा, भाजक नहीं आएगा, ठीक है ना। शेषफल कितना कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, और भाजक से 1 कम होगा, भाजक के बराबर कभी नहीं होगा। बात क्लियर होगी? अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब वही बातें बता रहे हैं कि भाई प्रमेयिका क्या होती है, प्रमेयिका होती है एक सिद्ध किया हुआ, एक किया हुआ कथन होता है, ठीक है ना, सिद्ध किया हुआ कथन होता है, और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। देखो, अन्य कथन, दूसरे कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है,
बात समझ में आ रही है। और एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, इसी जो कथन प्रमेय का, जो हमने प्रमेय का निकाला ना, इसी का सीक्वेंस, इसी के चरण, सीक्वेंस मतलब इसी के कई सारे प्रारूप, इसी के कई सारे प्रारूप हम समझेंगे क्या होता है प्रारूप वगैरह, ठीक है ना। कई सारे चरणों की एक श्रृंखला होती है, ये चरणों की क्या होती है, एक श्रृंखला होती है, समझ में आ रहे हैं। और किसी विशेष प्रकार के समस्या का समाधान करने की एक विधि भी इसी से प्राप्त होती है, इसी श्रृंखला से। अब ये थोड़ी सी वैसे हो गई किताबी बातें, असल में ये हो गई किताबी बातें। अब हम समझेंगे इसका प्रयोग, जब तक हम किसी चीज का प्रयोग नहीं समझते तब तक तो हमें किताबी बातें समझ में ही नहीं आती, ठीक है ना। अब आते हैं, समझते हैं प्रयोग के माध्यम से। अब ये भी बातें अभी समझ में आएगी, इसके बाद समझाऊंगा मैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई इसका और इसका 455 और 42 का HCF निकालने के लिए कह रहा है। HCF मतलब मास, महत्तम समापवर्त। तो हम निकालते हैं भाई, बड़ी वाली संख्या अंदर होती है और छोटी वाली संख्या बाहर, तो हमने भाग दिया। ये नया मेथड है, आप सीखेंगे या कुछ बच्चे सीख चुके होंगे भाग विधि। तो यहाँ एक टाइम में 42 एक कम 42, यहाँ कितना बचा 3, और यहाँ से 5 आया। लेकिन अब क्या एक बार भी पढ़ा जा सकता है, डिवाइड कर सकता है, नहीं, यहाँ पे 0 रखेंगे फिर। तो अब क्या करते हैं, इसी 35 को ऐसे ही रहने देते हैं और इस 42 को यहाँ पे रख देंगे, इस 42 को। अब कितनी बार में जाएगा, एक बार में 35 एकम 35, यहाँ कितना बचा 7। अब इस 7 से फिर 35 को डिवाइड करेंगे, जहां तक जब तक हम तब तक करेंगे डिवाइड जब तक 0 नहीं आ जाता शेष फल में। यहाँ कितना आया 0 आ गया। अब यूक्लिड ने क्या कहा था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के द्वारा हमें क्या बात पता चली थी कि भाई ए बी क्यू प्लस आर, ये पता चला था, है ना। अब यहां पे हमने ए किसको माना है, 455 को, 455 ए है, और ये क्या है बी है, और ये क्वेश्चन है, और ये क्या है 35 क्या है रिमाइंडर है। अब इनको देख लेते हैं, 42 गुणे 10 प्लस 35। अब नीचे वाले भाग के लिए हम इसको ए मानेंगे, 42 को ए मान लिया, और 35 को हम क्या मानेंगे बी, और इसको क्यू, और इसको 7 को आर। तो 35 गुणे 1 प्लस 7। अब अगले वाले में ए क्या होगा 35, बी क्या होगा 7, क्यू होगा 5, और आर ये। तो हम लिखेंगे 7 गुणे 5 प्लस 0। अब देखो भैया बात ऐसी है, हमें ये पता चल गया कि क्या आया है शेषफल, कितना आया है 0 आ गया इस पे। तो जिस पे शेषफल 0 आ जाता है, जिसका शेषफल क्या आ जाता है 0 आ जाता है, लेट मी कलर, यहाँ पे 0 आ गया है, जिसका शेषफल क्या आ जाए 0 आ जाए, वही भाजक क्या कहलाता है, HCF कहलाता है, मासा कहलाता है। वही भाजक क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा, ठीक है ना। जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए वही क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। तो मासा
या HCF, HCF क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बात क्लियर होगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, लेकिन आपको जब नोट करना होगा ना तो ध्यान से देखिएगा, ये जो हमने R लिखा, V लिखा, ये नहीं लिखना है, ये आपको समझने के लिए मैंने बनाया है, आपको समझने के लिए सिर्फ बनाया गया है, लिखा गया है, ठीक है ना। अब मासा क्या कहते हैं, मासा की एक खास बात होती है, मासा कहता है कि भाई ये जो 7 आया है ना, ये जो 7 आया है, ये 42 और 7 का HCF है, 42 और 455 का HCF है, 7 इसको भी और इसको भी पूर्णतः विभाजित कर सकता है, 7×6=42 और ये क्या होगा, 7×6=42 और यहां पे 7×5=35 पूर्णतः विभाजित कर रहे हैं। यही बातें इसमें कहने की कोशिश की गई है, जैसे देखेंगे हाइलाइटर का यूज करके, दो धनात्मक पूर्णांक को ए और बी का HCF, वह सबसे बड़े पूर्णांक होता है, वह सबसे बड़ा पूर्णांक होता है जो ए और बी को पूर्णतः विभाजित करता है, जो ए और बी को पूर्णतः विभाजित करता है। जैसे अभी हमने कहा था, हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि भाई क्या कह रहा है, ए और बी को, ए और बी हमारे लिए क्या होंगे, यही होंगे 455 और 42, 455 और 42, 455 और 42 को 7 जो उसका मासा है वो पूर्णतः विभाजित कर रहा है, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अब क्वेश्चन उदाहरण आ गया, उदाहरण आया है प्रथम, क्या कह रहा है, 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या कहते हैं, इसको थोड़ा मैं शॉर्ट नेम दूंगा, यू विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या के द्वारा हमें किस बात की पता चलते हैं, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाग, भाजक गुणा में भागफल प्लस रिमाइंडर शेषफल, ठीक है ना। तो हम भाग देते हैं, सबसे पहले बड़ी वाली संख्या अंदर रख दो भाई, 12576 और 4052 भाई कितने टाइम है, यहां देखो 4000 है, यहां 12000 है, तो कम से कम 3 टाइम जाना चाहिए, तो 3 टाइम्स ले जाते हैं, तो भाई इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 52 3 कितना आया, 6 15 और 12 156 और शेष यहाँ पे बचा 420, अभी भी जीरो नहीं आया, तो अब इससे करेंगे, यहाँ 420 है और यहाँ 52 है, 420 है और यहाँ पे क्या है, 52 है, एक बार इसको इरेज करते हैं रफर को, अब फिर यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे कितना आया, 420 है, यहाँ 4052 है, तो कितनी बार, 9 बार ले जाएंगे, क्योंकि 20 ज्यादा है ना, 20-20 करके ज्यादा होगा, तो 9 बार ले जाएंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 420 में 9 को, तो आ जाएगा 3780, कितना आएगा 3780, यहाँ पे 272 आया, 272, अब 420 कितनी बार में जाएगा, एक बार में 272, अब फिर 148 बचा, 148 72 272 से ले जाएंगे, तो कितना आया, यहाँ पे एक बार गया 148, यहाँ 124 को भाग करा 148 से, कितना आ जाएगा, एक बार, और यहाँ पे बच गया 24। अब इस 24 को यहाँ जगह का मैं यहाँ लिखता हूँ, इस 24 को भाग करेंगे 124 से,
तो 24 25 120, यहाँ 4 आया। अब इस 4 को 24 से करेंगे, इस 4 को 24 से करेंगे तो आया 6 और यहाँ पे आ गया 0। तो अब देखिए देखेंगे भैया भागफल और शेषफल जो जो आए हैं सबको हम अरेंज कर करके लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले भाज्य क्या था, ए क्या था, ये था, बी इतना है, क्यू 3 है और ये आर है, ठीक है ना। 12,576 4,052 गुणा में 3 प्लस 420। अब 4,052 ए अब इसको रखेंगे, बी इसको रखेंगे, सी सी नहीं होगा, क्यू होगा और ये आर होगा, ठीक है ना। अब लिखते हैं भाई 420 गुणे 9 प्लस 272। अब यहां पे ए क्या है, 420 है, बी ये है, क्यू ये है और ये आर है, तो 420 272 गुणे 1 प्लस 148, 272। अब अगले वाले में 272 ऐसे चलते चले जाएंगे, ठीक है ना। 272 गुणे 148 गुणा ये प्लस 124, 148 बराबर 124 गुणा 1 प्लस 24 अब 124 यहां पे आ जाते हैं, ए ये हो गया, बी ये हो गया, क्यू ये हो गया, आर ये हो गया, 24 गुड़े 5 प्लस 4 और अब 24 यहां पे भी ए है, अब ये बी हो जाएगा और ये क्यू और ये आर, 24 गुणे 4 गुणा 6 प्लस 0, ठीक है ना। अब मैंने बताया था HCF क्या हो जाता है, HCF क्या हो जाता है बताओ भाई, HCF हो जाएगा आपका जहां पे रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आया 0 आया, इसी पे इसी पॉइंट पे रिमाइंडर क्या आया 0 आया, तो जिससे भाग देते हैं जब 0 आ जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को HCF कहते हैं। तो मासा क्या हुआ, मा सा हुआ 4, बात क्लियर होगी। अब इन सारे पॉइंट्स को जो हमने एक्स्ट्रा पॉइंट पॉइंट आउट करे थे इनको इरेज कर देता हूँ जैसे समझाने के लिए आपको, बी ए इरेज कर दिया, यहाँ पे क्या था एक चीज और इरेज होगी, यहाँ पे था 4 6 था, ठीक है इरेज कर लेना, वैसे आप समझ लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं हम। अब क्या कह रहा है, हाँ इसके लिए थोड़ा सा हाई लेटर का प्रयोग करके मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, पहले समझना और फिर उसके बाद बताना, ठीक है ना। देखो भाई, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक, धनात्मक संपूर्णांक ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप में होता है। हमेशा ध्यान में इन बातों को देखिएगा कि भाई सम संख्या जो जो पॉइंट है इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं ना तो सारी चीजों को समझ लीजिएगा। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या जिसे कोई भी संख्या हो जो 2 से विभाजित हो, कोई भी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, ये बात समझ में आ रही है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। तो मान लिया मैंने जैसे 10 है, 10 है 2 से विभाजित है, तो हम 2 को विभाजित करने के लिए
हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 को 2 × 5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो 2 से विभाजित होगा, मतलब 10 2 से विभाजित है, अगर 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये अवश्य निर्भर करता है 2 पे कि भाई 2 उस संख्या में जरूर होगा, उस संख्या में 2 एक गुणनखंड के रूप में, एक गुणनखंड के रूप में जरूर होगा उसमें। अगर कोई भी चीज 2 से विभाजित है तो वो 2 के गुणनखंड के रूप में उस संख्या में विद्यमान रहेगा, ठीक है ना। तो अगर इसी संख्या को, जैसे 10 है, 10 को 2 × 5 कर रहा हूं, अगर इसी की जगह पे कोई संख्या q आ जाए तो हम क्या कह सकते हैं, वो भी 2 से ही विभाजित होगा ना, जैसे 10 विभाजित हो रहा क्योंकि इसमें भी 2 विद्यमान है, इसमें भी 2 विद्यमान है, इस वजह से ये 10 से विभाजित हो रहा। अगर देखा जाए 5 क्या 2 से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन अगर ये इसमें 2 और आ जाता है तो ये 2 से विभाजित हो रहा है ना। तो ये बात समझ में आ रही है, ये एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आशा करता हूं समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है ना, सारे तथ्य आपको बखूबी समझ में आ रहे होंगे, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा से इस वीडियो को देखना, ठीक है ना, और मैं जितना समझाने की सरलता से कोशिश कर सकता हूँ उतना ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये इरेज हो गया। अब विषम संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से विषम संख्या, ओड नंबर, क्या कहते हैं इसको, ओड नंबर, सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं। जो संख्या 2 से, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है वही क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। मान लीजिए 9 एक विषम संख्या है, सबको पता है 9 विषम संख्या है, लेकिन इसको कैसे एल्जेब्रिक फॉर्म में, एल्जेब्रिक फॉर्म में, एल्जेब्रा का प्रयोग कैसे करके हम इसको लिखेंगे, जैसे क्यू पी इस टर्म में। तो अब देखो भाई, हम इसको 9 को क्या लिख सकते हैं, 8+9 लिख सकते हैं, 9 को 8+9 लिख सकते हैं। और अब इस 8 को हम 2 × 4 लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसकी जगह पे मैं कुछ भी संख्या ले लूं, क्यू भी ले लूं, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू प्लस ये हमेशा 2 से विभाजित नहीं होंगी। जब 2 से विभाजित नहीं होंगी तो इसका मतलब क्या है, ये विषम है, है ना। ये अभी मैं समझा रहा हूं, लिखने का तरीका अलग है, प्रश्न के उत्तर देने का तरीका अलग है, अभी मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। ये अब यहां पे देखेंगे तो आपने कहा था कि सर ये तो सम संख्या होती है, ये सम संख्या होती है, और एक किसी भी सम संख्या में एक और जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगी, भी सम संख्या हो जाती है, बस जाहिर सी बात है। देखो कोई भी संख्या ले लो, मान लो 10 है सम संख्या है, उसमें एक और जोड़ दिया 11 हो गए, 11 क्या विषम है, मान लो 12 है उसमें एक और जोड़ दिया 13 हो गया, ठीक है ना। तो किसी भी सम संख्या में एक और जोड़ दिया जाए, यहां से एक बात पता चली, किसी भी सम संख्या में एक और जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर हो रही है, बस वही बातें, ये सारी बातें अभी तक हम रट्टू तोते बनते चल रहे थे मैथ में, अब लेकिन चीजों को हर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और गणित का जो रहस्य है उसको समझने का और उस पर्दे को उठाने की बारी आ गई है भाई, ठीक है ना। इरेज कर लेते हैं। अब लिखने का तरीका क्या है, प्रश्न का हल करने का तरीका क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। मिट जा भाई जल्दी जल्दी, प्रयास कर रहा हूँ जल्दी मिटाने के लिए, लेकिन टूल है भाई, जल्दी नहीं हो पा रहा है। तो अब क्या कह रहा है भाई, विषम संख्या, यही बातें बता रहा है जो अभी मैंने आपको समझा दिया,
क्या कह रहे हैं कि विषम संख्या, धनात्मक विषम संख्याएं, विषम संख्याएं या विषम पूर्णांक लगा लो, वो इस रूप में होंगी। ठीक है, इस रूप का होता है जहां पे क्यू क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है ना, अब लेते हैं एक कोई सा अच्छा सा पेन, लाल ले लेते हैं, काफी देर हो गया अब लाल। अब हमें ये दर्शाना है, तो हम कैसे दर्शाएंगे, तो हम लिखेंगे उत्तर माना, माना ए एक धनात्मक, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं धनात्मक, इसको ये शॉर्ट शाइन है, धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर दो है। अच्छा, b बराबर दो हम क्यों लेते हैं, यहां पे b बराबर तो कुछ भी हो सकता है। तो हमने एक फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़ा है, a इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस आर। तो अब देखो इस बात को उठा लो, b और q, तो यहां पे देखो q के साथ में क्या लगा हुआ है, q के साथ में दो लगा हुआ है, तो मतलब q यहां पे रख दिया तो b की जगह पे क्या बचेगा, दो बचेगा, तो इसलिए हमने वो माना है। ठीक है ना, अब इसको हर एक बात को मैं एक तरीके से प्रेजेंट करूंगा आपके सामने कि भाई आपके दिमाग में छप जाएंगी। ठीक है ना, बस मेरी वीडियो देखिए और बाद में आप आराम से अपने हाथ से प्यारे प्यारे नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है ना, ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सॉल्व करने की बारी आ गई। तो इसका मतलब क्या है, अब लिखेंगे यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा, वो क्या कहता है, a बराबर b q प्लस r। ठीक है ना, और जहां पर जो r है, r है जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा, यही बातें बताई थी। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में a तो ऐसे ही है, b 2 है, q की जगह q, r की जगह हमें अब डिसाइड करेंगे, भाई b से एक छोटा होता है तो r क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू होगा, कभी भी नहीं होगा, टू नहीं हो सकता क्योंकि एक छोटा होता है मेरे भाई, भाजक एक छोटा होता है। तो हमारे क्या क्या हो सकते हैं, सिर्फ जीरो और एक हो सकते हैं भाग देने पे। ठीक है ना, जीरो और एक हो सकते हैं। अब देखिएगा इसमें क्या है, मैंने मान लिया जब जब जो आर है वो जीरो होगा तब इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वाले में तब क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ए क्यू प्लस आर की जगह पे जीरो, तो ये क्या हो गया, टू क्यू। ठीक है ना, टू क्यू, तो ये किसके रूप में है, ये सम संख्या के रूप में है, सम संख्या के रूप में है, है ना। और जब जब आर पे, अभी तो हमने जीरो रखा था, अब हमारे किसके रखने की बारी आई, एक रखने की, जब r बराबर एक है तो a बराबर दो गुना क्यू प्लस वन। तो भाई ये सम संख्या अभी हमने सिद्ध करी, अगर ये सम संख्या है इतना, तो ये क्या होगा, उसमें एक और जोड़ दिया गया तो वो क्या बना देगा, विषम संख्या, विषम संख्या। ठीक है ना, तो ये विषम संख्या, तो हमारे लिखने का क्या तरीका होगा, इसको इस बात को सिद्ध करने का तरीका होगा, हम लिखेंगे, रेड पेन ले लेता हूं, हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, प्रत्येक प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q
तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक टू क्यू प्लस वन के रूप में व्यक्त व्यक्त किया जाता है। इति सिद्धम या इसको हम लिखते हैं इंग्लिश में हैंस प्रूफ्ड, हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, फिर हाइलाइटर का यूज करते हैं। हाइलाइटर क्या कह रहा है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। इस बात के बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा भाई, किसके किसके रूप में 4q, तुरंत आंखें आनी चाहिए इस पे। जब भी आप एग्जाम में भी पेपर सॉल्व करेंगे तो इन मेन पॉइंट पे हाईलाइट करेंगे या अंडरलाइन करके चलेंगे आगे, ठीक है ना। विषम संख्या, और यहाँ पे जहां पर क्या है, क्यू एक पूर्णांक है, इंटीजर्स है। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक मतलब जीरो से लेके, आपने तो नाइन्थ क्लास में सीखा होगा। अच्छा एक बार फिर से मैं बता देता हूँ पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक होता है भाई माइनस इन्फिनिटी से लेके -2, -1। संख्या रेखा पे जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारे पूर्णांक कहलाते हैं, लेकिन लेकिन बटे वाली संख्याएं नहीं इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है ना। पूर्णांक समझ में आ गया, अब इरेज कर देते हैं भाई। लो भाई अब देखते हैं भाई, माना फिर यहां पे भी बिना माने तो मैथ में कुछ काम ही नहीं होता, मानते भाई। माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है तथा बी क्या होगा, इस बार देखो भाई क्यू के साथ में कौन सा है, फोर है, तो बी क्या होगा, फोर होगा, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा हमें किस बात की जानकारी है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहां पे क्यू जीरो के बराबर हो सकता है और बी से छोटा रहेगा हमेशा, ठीक है ना। अब देखते हैं भैया, लेट मी चेंज द कलर। अब ए हमारा क्या होगा, कुछ नहीं पता। बी क्या होगा, ये फोर क्यों, और आर देखते हैं क्या क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर कभी भी नहीं होगा मेरे भैया, कभी भी नहीं होगा। ऐसा हो गया तो आप से मेरी गारंटी है आप एक नए मैथमेटिशियन बनेंगे, गणितज्ञ, अगर आपने ऐसा सिद्ध करा तो, ठीक है, ठीक है ना। अब यहां पे लेते हैं, जब जब आर जीरो हो, रिमाइंडर जीरो हो, तो ए क्या हो जाएगा, यहां पे जीरो है। अब इसको फोर क्यों लिख सकते हैं भाई, जीरो किसी में जीरो ऐड करो तो उतनी ही वैल्यू रहेगी। अब यहां पे क्या आएगा, टू कॉमन ले लेते हैं यहां पे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फोर क्यू को हम 2 × 2 क्यू लिख सकते हैं, बस इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, और इस क्यू को हमने क्या मान लिया, एम मान लिया, कोई भी नंबर मान ले एम। यहां पर
यहां m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। m एक पूर्णांक है तो आते हैं भाई, तो इससे यह सिद्ध होता है कि भाई 2m मतलब दो के साथ में कोई भी नंबर, दो के साथ में कोई भी पूर्णांक, तो मतलब ये दो से विभाजित करेगा तो ये सम होगा, सम संख्या होगी। तो हम लिखेंगे यह एक धनात्मक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, ठीक है ना। अब r इक्वल्स टू हम लेते हैं, r इक्वल्स टू जब r इक्वल्स टू हमने जीरो तो ले लिया, अब वन लेंगे, r इक्वल्स टू क्या है वन, तो a में क्या परिवर्तन आएगा, 4q प्लस r1। तो अब इसमें से हम 4q में से सिर्फ इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या मान लिया, m मान लिया, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर m एक पूर्णांक है, m एक क्या है पूर्णांक है, तो हम लिखेंगे यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, पूर्णांक है। देखिए भाई हम इसको इरेज करते हैं, जो अनावश्यक चीजें हमने रफ वर्क में लिखी हैं, ठीक है ना। अब ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे ही आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अब हम क्या रखेंगे, दो रखेंगे, r बराबर दो रखेंगे, अभी तक तो हमने रखा था जीरो रख लिया, वन रख लिया, अब दो रखेंगे। r बराबर जब r इक्वल्स टू दो है, r इक्वल्स टू क्या है दो है, तो a में क्या परिवर्तन आएगा भाई, a बराबर 4q प्लस दो, ठीक है ना। अब इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया, दो ही कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा, दो और यहां पे वन, तो इतने को हमने क्या मान लिया, m मान लिया फिर दोबारा, क्योंकि ये पूर्णांक है, दो के साथ में कोई भी कितने भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना, तो वो तब भी क्या कहलाएंगे, दो के साथ में कितना भी बड़ा नंबर ले लो, कुछ भी ले लो, तब भी वो दो से विभाजित होगा, और जब दो से विभाजित होगा तो वो सम संख्या कहलाएगी। बात समझ में आ रही है हाँ? तो हम इसको m मान, हमने इसको क्या मान लिया, m मान लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा 2m, यहां m एक पूर्णांक है, m क्या है एक पूर्णांक है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे ये जो नंबर है ये वाला, यह एक धनात्मक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम लेते हैं r 2 हो गया था, अब हमारी बारी किसके लेने की बारी आई, 3 को हमने माना, जब r बराबर 3 है तो a पे क्या परिवर्तन आएगा, 4q प्लस 3। अब भैया 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 4q, 3 को क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 1 ले लेंगे, है ना। अब इतने में से ये जो संख्या है, इतने में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, 2 ले लिया कॉमन, तो यहां क्या बचेगा, 2 प्लस 1
कॉमन मतलब वेनिस्ट ले लिया, तो इतने को हमने फिर मान लिया एम, तो 2m+1। यहां पर m एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक ले लो या पूर्णांक ले लो, धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब देखो ये तो यहां तक अभी हमने यहां पे सिद्ध करा सम है, तो उसमें एक और प्लस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। विषम हो गया तो हम देखते हैं भाई उत्तर में हम क्या लिखेंगे, अपने उत्तर में क्या क्वेश्चन था देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 4q+3 के रूप में होगा। देखो 4q+1 ये अभी हमने सिद्ध करा विषम है, यहां पे 4q+2 किस रूप में है, इस रूप में है, ठीक है ना। और ऐसे ही अब यहां पे 2q+1 इस रूप में है, ठीक है ना। तो अब हम यहां पे लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब देखिए भाई हम उत्तर पुस्तिका में इसको लिखेंगे, उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 और 4q+3 के रूप में होता है प्रत्येक या प्रत्येक लिखो प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है या रूप में होता है जहां पर q एक पूर्णांक है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाले पाते हैं भाई, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और इसको करते हैं थोड़े से, बहुत सारे बच्चों के मुंह में पानी भी आएंगे इस क्वेश्चन से। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं, ठीक है ना, कितनी है 420 भाई, रेजर कलर चेंज करो भाई, 420 क्या है, काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फी है, ठीक है ना, 130 बादाम की बर्फियां हैं। अच्छा जब मैं क्वेश्चन समझाता हूं ना तो हर एक क्वेश्चन का मतलब पहले समझने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। आप भी अगर अब क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं ना तो पहले क्वेश्चन का मतलब बहुत अच्छे से समझिए, एक बार दो बार तीन बार क्वेश्चन पढ़िए, जब तक आपको अच्छे से तसल्ली नहीं हो जाती क्वेश्चन में क्या पूछा गया है क्या दिया हुआ है, तब तक आप प्रश्न हल करना मत शुरू कीजिएगा, ठीक है ना। काजू की बर्फियां कितनी है, 420 है, और बादाम की बर्फियां कितनी है, 400। वह इनकी ऐसी ढेरियां लाइनें बनाना चाहता है, चाहती है, अच्छा लेडी चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फी की संख्या समान रहे, हर एक ढेरी में बर्फियों की संख्या जो हो ना, बर्फियों की संख्या वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है ना। ये ढेरियां बर्फी की परत के न्यूनतम स्थान घेरे, न्यूनतम स्थान घेरे, परत की जो परत है ना ट्रे की, ये ढेरियां जो है परत उनकी जितनी होगी ना, परात है ट्रे होता है ना, ट्रे परात,
उसकी समान जगह घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अब मैंने एक एक चीज समझने की कोशिश करी है और आपको समझाने की भी कोशिश करी है, तब तक आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब फिर से मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा ग्लांस करूंगा और अंडरलाइन करते हुए चला जाऊंगा, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे और ये ढेरियां जो है ना बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। मतलब अगर ट्रे है ना तो बहुत कम स्थान घेरे, ठीक है ना। न्यूनतम मतलब लीस्ट, कम, सबसे कम। लेकिन लीस्ट से ये मत समझ लेना कि भाई ये लघुत्तम समापवर्त पूछ रहा है, यहीं से आपकी जानकारी अधूरी रह जाती है। ये लीस्ट से, न्यूनतम से ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि उन लाइनों में, उन ढेरियों की लाइनों में कितनी ज्यादा से ज्यादा बर्फी आ सकती है। मतलब न्यूनतम जगह जब रखेंगे ट्रे में, परात में न्यूनतम जगह रखेंगे तो इसका मतलब क्या है, लाइनें ज्यादा ऊंची बनाएंगी बर्फियों की। और लाइनें जब ज्यादा ऊंची बनाएंगी तो क्या लगेगा कि भाई हमें कितने ज्यादा से ज्यादा एक लाइन में बर्फियां रखी जा सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा कितनी ढेरियों में, कितनी पंक्तियों में बर्फी रखी जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा, जो ज्यादा से ज्यादा ढेरियों का एहसास है, मतलब इस क्वेश्चन के न्यूनतम स्थान से मिसगाइड कर रहा है बच्चों को, ठीक है ना। तो इस बात को समझते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता देता कि भाई यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एलसीएम नहीं, एचसीएफ पूछ रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, लेकिन अब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अब लेते हैं भाई, हमें क्या पूछा है कि बादाम की बर्फियां कितनी है और काजू की कितनी है, काजू की कितनी बर्फियां, काजू की बर्फियां बहुत सारे के तो मुंह में पानी आ गया होगा बर्फी का नाम सुन के, है ना। कोई नहीं, बर्फी तब खाएंगे जब अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे, ठीक है ना। बर्फियां कितनी है, 420 है, और बादाम की 130 है। देखिए भैया, अब इन दोनों का हम निकालेंगे लघुत्तम नहीं महत्तम समापवर्त, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। 130 420 से भाग दिया हमने तो कितना हुआ, तीन बार में जाएगा 13 39 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 36, कितनी बार गया 30 है, यहाँ पे 130 भाई जाएगा चार बार, 120 यहाँ बचा 10 जाएगा 30 0। तो हमें भाई यूक्लिड का सम्मान करते हुए क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा। तो हम लिखेंगे भैया a = bq + r, यूज कर लेते हैं फेवरेट कलर। 420 बराबर है 130 × 3 + r, r कितना है 30 है, 130 = 30 × 4 + 10, और 30 बराबर 10 × 3 + 0। अब भैया हमारा आया मासा क्या आ गया, हम लेते हैं हाइलाइटर, जीरो किस पे आया है, जीरो आया है इस वाले पे, 10 पे। तो हमारा मासा कितना होगा, मास
10 मासा कितना होगा 10, और हम लेते हैं भैया मासा जब 10 होगा तो हम लिखेंगे, क्या कह रहा था लास्ट में, इस काम के लिए प्रत्येक ढेरियों में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। प्रत्येक ढेरी में, प्रत्येक उत्तर लिखेंगे, प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां, बर्फियां रखी जा सकती हैं, रखी जा सकती हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाले पाते हैं भाई। प्रश्नावली 1.1, 1.1, 1.1। अब तो कम बच्चे बोलते होंगे, पॉइंट बोलते होंगे या डेसिमल एक्सप्रेशन बोलते होंगे, 1.1। चलो, लेकिन जो बोलते होंगे ठीक है, अच्छा लगता है 10 बोलने में, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। डिवीजन, विभाजन, एक्चुअली क्या होता है, हिंदी में पढ़ाओ, इंग्लिश में भी पढ़ाओ, तो इंग्लिश के वर्ड ज्यादा ध्यान आते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है 135 और 225 का। तो भाई 225 बार के अंदर, अंदर क्योंकि बड़ा है, और ये बार कितनी बार गया, एक बार, कितना आएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा ये 7, 8, 9, 90 आए, और 90 में, 90 को किससे डिवाइड करेंगे, 135 से, कितना आया 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना आया, 90 एकम 90, और यहाँ 45। अब 45 को किससे भाग देंगे, 90 से, 1, 1 नहीं, 2 बार जाएगा ना, 45 दूना 90, यहाँ 90 आ गया, यहाँ 0। तो भाई जो HCF आया ना, HCF अभी लिखेंगे, यूक्लिड का ही यूज़ करना ना, हमने ज़्यादा जल्दी मचा दी, हमें लिखना पड़ेगा उत्तर की पुष्टि कैसे करनी पड़ेगी। ब्लैक कलर में लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के द्वारा a=bq+। इंग्लिश में लिखना था अकॉर्डिंग टू डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम। तो आर, आर क्या क्या हो सकता है, चलिए छोड़िए, आर का यहाँ पे प्रयोग नहीं है, एल्गोरिदम है। तो यहाँ पे लेते हैं पर्पल कलर, 135, दो, एक मिनट, 135 नहीं है, कितना लेंगे पहले, ए क्या है, ए हमारा होगा, ए हमारा है ये, बी इतना है, क्यू इतना है, और आर इतना है। 225 बराबर 135 गुणे 1+90, 135 बराबर 90 गुणा 1+45, और 90 बराबर 45 गुणे 1+1, +1 नहीं, +0। तो अब हमारा मासा कितना आया, मासा, मासा आया हमारा 45, हमारे HCF क्या आया 45। तो मासा HCF 45 कितना आया, 45। नेक्स्ट वाले पाते हैं भाई।
ये सबसे मस्त है। अब हमें किसका निकालना है, 196,38,202 का, 196 और 38,202 का। अब सबसे पहले भाग देते हैं बड़े वाले को अंदर, छोटे वाले को बाहर। बड़े वाले को अंदर 38,220 और इसको बाहर, कितनी बार मिले गए, एक बार में कितना आया, दो में से ये सॉरी एक जाएगा, एक एक बार जाएगा, 96 ना, तो कितना आया, 6। और यहाँ पे 17 है, 17 में से कितना गया, 17 में से 9 गया तो हो गया 8। और यहाँ पे बचेगा 2, भाई 2 यहाँ पे गया, 12, 6 यहाँ, 17 में से ये 8, और यहाँ पे एक बचा, एक यहाँ पे। अब कितना आ जाएगा, 2 उठाया, कितनी यहाँ 200 है, यहाँ कितनी बार जाएगा, यहाँ 200, यहाँ कितनी बार जाएगा, 200 के लगभग आसपास में है, तो ये 18 है, तो हम कितनी बार ले जाएंगे इसको, 9 बार ले जाएंगे, 9 6 54, 9 9 81, 86, 81 और 5 86, और 9 1 9 17, 17 64, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 17 64, कितनी बार गया, 9 बार गया, यहाँ कितना बचा, 8 बच गया, यहाँ पे 5 15 9 98। और यहाँ से अब 0 को लेके आएंगे, यहाँ से अब 0 को लेके आए, तो कितनी बार जाएगा ये, 5 बार जाएगा, लगभग 5 बार, तो ले जाते हैं भाई, क्योंकि ये 1,000 के आसपास है, ये 200 के आसपास है, 200 में 4 कम है। तो अब हम 196 को करते हैं 5 से गुणा, कितना हुआ, 30 और 45, 45 और 3 48 और 5 9, ठीक है, सेम ही आ गया, तो हम 5 टाइम ले जाएंगे इसको, कितना आया, सेम आया, और कितना आ गया, 0 आ गया। तो भाई पहली बार में ही भाग देते ही 0 आ गया, पहली बार में ही भाग देते ही 0 आ गया, तो हम क्या कहेंगे, HCF वही है, HCF क्या है, 196 ही है, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा, हमें क्या लिखना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए कितना होगा, 38,220, 196 गुणा 195 प्लस 0, तो भाग किससे हुई, भाग किससे हुई है भैया, 196 से, 196 से किससे हुई भाग, 196 से। तो हम लिखेंगे भैया, मासा हमारा क्या है, 196 है, ठीक है ना, HCF क्या आया हमारा, 196, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाले पाते हैं भाई, अब नेक्स्ट वाले पे क्या कहता है भाई, इनका इन दोनों का 867 और 255 का निकालना है, तो हम निकालते हैं भाई 855 और 267, 255 और 867, ये भाई 250 के आसपास है, ये 750 के आसपास लगभग है, तो कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार, तो ये 765, 665 हो गया, 765 प्लस, क्योंकि 5 हो गया, 15 एक्स्ट्रा होगा। अब यहाँ पे बचा 102, माइनस होने पे क्या बचा, 102। अब इसको डिवाइड करेंगे इस वाले से, कितनी बार गया, 2 बार, 204, यहाँ पे बचा 1,
और यहाँ पे बच गया 5, 102, कितने टाइम जाएगा, 2 बार। अब देखो भाई, आया मासा, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा हमें किस बात की पुष्टि होती है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल। तो भाई ए क्या होगा, 867, 255 से भाग हुआ, भागफल आया 3, शेषफल आया 102। अब 255 है, 102 से भाग हुआ, 2 आया भागफल, 51 आया शेषफल। अब भाई 102 है, 51 आया भाजक, भागफल आया 2, शेषफल आया 0। तो 0 जिसमें शेषफल आ जाता है तो वो क्या कहलाता है हमारा, वही हमारा HCF कहलाता है, वही हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो हम लिखेंगे HCF, HCF कितना आया, 51। HCF क्या आया, 51। चले अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो हम देख लेते हैं विषम हमें प्रूव करना है, तो सबसे पहले इन वाले चीजों को हम हाईलाइट कर देते हैं। अब लेते हैं भैया प्रश्न का उत्तर। तो हमें बिना मैथ में माने कुछ माना नहीं जाता, समझा नहीं जाता, तो हम मानते हैं भाई, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा बी 6 है, बी क्या है, 6 है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा द्वारा हम क्या कह सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर हमारा क्या होगा, 0 से एक छोटा हो, 0 से 0 या 0 से बड़ा होगा, बी से एक छोटा होगा, बी से एक छोटा होगा। ये भैया बी है और ये 6 है, ध्यान में रखना, एक जैसे ही है इसमें, ठीक है ना। लिखने में अगर कहीं गलती हो तो ध्यान दीजिएगा, और मैं बोलूँगा या तो बी बोलूँगा, 6 नहीं बोलूँगा उनको, ठीक है ना। आप कान खड़े कर लीजिए सुनने के लिए। तो भाई ए क्या क्या हो सकता, ए हमें पता नहीं है, बी हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बी क्या होगा, 6 होगा, बी क्या होगा, 6 होगा, क्यू प्लस आर। आर क्या क्या हो सकता है भाई, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 5 हो सकता है, 6 कभी भी नहीं होगा, 6 कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं, सबसे पहले जब जब आर बराबर 0 होता है, जब आर बराबर हमने क्या माना, 0 है, जब आर बराबर क्या है, 0 है, तो ए में क्या परिवर्तन आएंगे, 6q+0, तो 6q। अब देखो भाई, इसमें से 2 कॉमन ले लिया हमने, 3q हो गया, तो इतने को हमने क्या मान लिया, m मान लिया, हमने इसको m माना,
तो एम यहां, यहां एम एक, एम एक पूर्णांक है, यहां एम एक पूर्णांक है, ठीक है ना, ये बात हमने लिखा। तो भाई एम किसी से दो से मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ रहा है, तो हम लिख देंगे दो की मल्टीप्लाई के रूप में है, तो हम लिखेंगे यह है, यह एक सम पूर्णांक है, यह एक सम पूर्णांक है, ये बात क्लियर हो गई, यह एक सम पूर्णांक है। अब लेते हैं जब 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 r इक्वल्स टू वन है, a इक्वल्स टू सिक्स क्यू प्लस वन, दैट मीन्स इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, सिक्स में से सिक्स को हम सिक्स क्यू को ऐसे लिख सकते हैं, टू क्यू टू इंटू थ्री क्यू प्लस वन, और थ्री को हमने क्या माना है, m मान रखा है थ्री क्यू को, तो हम इस रूप में ले लें, यहाँ यहाँ m एक पूर्णांक है, हमने जो माना है m क्या है, एक पूर्णांक है। तो भाई यह सम था, 2q एक सम संख्या, अभी हमने सिद्ध कराया सम है, 2m एक सम संख्या है, तो 2 एक सम संख्या में 1 ऐड करते क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, तो यह है एक विषम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है। अब नेक्स्ट वाले पे हमने क्या क्या ले लिया, जीरो ले लिया, वन ले लिया, अब हमारी बारी है टू लेने की। तो हमने जब जब आर बराबर दो है, तो ए क्या होगा, ए सिक्स क्यू प्लस टू, अब इसमें से हम क्या करेंगे, टू कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, थ्री क्यू प्लस वन, और अब इतने को हमने क्या मान लिया, m मान लिया, इतने को क्या मान लिया हमने, m, तो ये क्या हो जाएगा, 2m, जहां जहां m एक धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक लिखो या धनात्मक पूर्णांक लिखो, ठीक है ना, जहां धनात्मक है धनात्मक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई ये दो से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये संख्या किससे मल्टीप्लाई हो रही है, दो से हो रही है, तो हम लिखेंगे यह है, यह है एक सम पूर्णांक है। अब हमने मान लिया जब मान लिया, तीन मान लिया, दो तक मान लिया, अब हमें क्या मानना है, तीन मानना है, हमें क्या मानना है, तीन मानना है, जब r बराबर तीन है, तो a किसके बराबर होगा, सिक्स क्यू प्लस थ्री, इसमें थ्री को हम क्या लिखेंगे, देखना अभी थ्री को हम टू प्लस वन लिख सकते हैं, कोई मैच का रूल नहीं तोड़ा, इसमें से मैंने दो कॉमन ले लिया, क्या लिया, दो कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या हुआ, थ्री क्यू प्लस वन, हमने इसको क्या मान लिया, एम मान लिया, इसको भी हमने यहाँ पे क्या माना, एम, यहाँ यहाँ पर यहाँ एम एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, या पूर्णांक लिख दो, बात देखिए यहाँ पे। अब ले लेते हैं भैया, ये हमें पता चला कि भाई जब ये दो की फॉर्म में हमने ले लिया इसको, यहाँ पे सम था 2m, अभी सम था, तो उसमें एक ऐड हो गया 1, तो क्या हो जाएगा, यह विषम हो जाएगा, यह एक विषम पूर्णांक है, ठीक है ना। अब लेते हैं भाई नेक्स्ट वाले पे, हमने अभी तक दो मान लिया था, तीन मान लिया था, अब हम क्या मानेंगे, चार, जब r बराबर
चार हो तो a इक्वल्स टू 6q+4, इसमें से हमने 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 3q+2, और इतने को हमें क्या मानना है, m मान लेना है, कोई पूर्णांक हम मान रहे हैं एक ही मानते चले जाएंगे, तो भाई 2m, और यहाँ पर जो m है ना, m क्या है, m एक धनात्मक पूर्णांक है। ना जब ये धनात्मक पूर्णांक है, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, हमने कंट्रोल माइनस, अब ये धनात्मक पूर्णांक है तो हम लिखेंगे यह एक सम संख्या है भाई, 2 से मल्टीप्लाई, सम पूर्णांक है या संख्या नहीं, या पूर्णांक की बात हो रही ना, पूर्णांक भी संख्याएं होती हैं, या पूर्णांक की बात हो रही है, इसलिए सम एक पूर्णांक है, विश्व सम पूर्णांक है, ठीक है ना। अब हमने क्या क्या रख लिया भाई, एक रख लिया, 2 रख लिया, 3 रख लिया, 2 भी रख लिया, 3 भी रख लिया, अब 4 भी रख लिया हमने, सिर्फ हमें कितना रखना है, अब 5 रखना है। जब R बराबर 5 होगा, a इक्वल्स टू 6q+5, इसको हम लिखेंगे 6q 4+1, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 2, 3q+2+1, यहाँ पे आया भाई m, और इसको लिखेंगे 2m+1, भाई ये सम संख्या भी हमने प्रूव करा था, और ये भी सम, एक ऐड होते विषम हो जाएगा, यह एक, यहाँ m एक पूर्णांक है, यहाँ m एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, डाल दो भाई धनात्मक पूर्णांक है, तो यह क्या है, यह एक विषम संख्या है। देखो भाई ये वाला हाईलाइट का यूज करेंगे, हाईलाइटर व्हाइट स्लाइड में समझ में नहीं आता कौन से पेपर, ये है भाई विषम को यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वाला हाईलाइटर येलो रखते हैं, ये भी विषम को कर रहा है, ये सम को करा है, ये वाला ये विषम को, ये सम को, ये वाला विषम को, और ये वाला सम को, ठीक है ना। अब देखते हैं भैया ये क्या कह रहा था, कि क्वेश्चन कह रहा था कि कोई भी विषम पूर्णांक किस रूप में होना, 6a, तो देखो 6a ये विषम के ही रूप में है, 6q+1 ये किसी के, इसी के रूप में है, पहला वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट। दूसरा क्या कह रहा है, 6q+3, तो भाई यहाँ पे 6q+2 कितना है, सम है, 3 कितना है, विषम है, और 4 भी सम है, और 5 वाला क्या है, ये विषम है, 5 वाला क्या है, विषम है, ठीक है ना। तो यही बातें कर रहे हैं ना, 5 वाले पे देखो, 5 वाला विषम, तो हम लिखेंगे उत्तर में अपने, लिखेंगे उत्तर में, लिखेंगे प्रत्येक धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस थ्री या 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, किया
जा सकता है, जहां यू एक पूर्णांक है। ठीक है ना, उत्तर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कहता है? देखो भाई बहुत बढ़िया है भाई, कौन कौन आर्मी में जाना चाहते हैं? भाई कौन कौन जाना चाहेगा बताओ। देखते हैं, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है ना, कितना है? 616 सदस्यों वाली एक सेना है, सेना की टुकड़ी है, ठीक है ना, और 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभ मतलब क्या हो गए? पंक्तियों में, ठीक है ना, समान स्तंभ मतलब समान पंक्तियों वाले में, तो उन यहां पंक्ति होना चाहिए। ठीक है ना, स्तंभ भी यूज कर लो, स्तंभ से या पंक्ति यूज कर लेना। ठीक है ना, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? ठीक है ना, स्तंभ है, खंभा है, स्तंभ मीन्स खंभा, पोल होते हैं। ठीक है ना, तो क्या पूछा हमसे? पूछा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उठाते हैं कि भाई हमें अधिकतम पूछा है, अधिकतम से क्या पर्याय है? अधिकतम से पर्याय है एचसीएफ पूछ रहा है, खंभों की अधिकतम जानकारी पूछने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अधिकतम के लिए हम क्या लेंगे? मासा, मासा निकालेंगे किसका? एचसीएफ लिखते हैं, एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। तो हमें 32 छोटा दिखाई दे रहा है, छोटी संख्या है 616 के कंपैरिजन में, तो हम लेते हैं भाई एक टाइम गया, कितना है 32, यहाँ कितना बचेगा 9, यहाँ पे बचा 2, 29, ये 6। अब देखते हैं भाई कितनी बार जाएगा, 32 है, 32 है तो कितनी बार ले जा सकता है वो, टेबल पढ़ो, ये जाएगा 9 बार लगभग, या 300 है, ये कितना है, ये तो 9 बार ले जाते हैं, तो कितना आया 288, यहाँ कितना बचा 8, 32 या 4, 0। तो अब हमारे पास क्या क्या आया, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा, इसके द्वारा हमने क्या क्या लिखना है? सबसे पहले ए क्या होगा, 16 है, 616 है, बी क्या है, इतना है 32 है, क्वेश्चन क्या है 19 है, और रिमाइंडर कितना 8 है। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे इसको 29 को रिमाइंडर मान लेंगे, नहीं ऐसा नहीं मानना है, तो हमें लिखना पड़ेगा ये आया ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो हमारा क्या बचा 616 32 गुणे 19 और आर कितना हुआ 8। अब 32 8 गुणे 4 प्लस 0, तो हमारे पास बच गया, हमारे पास बचा क्या, ये हमें पता चला 8 जो है, 8 हमारा जो है वही क्या आया एचसीएफ, क्योंकि 0 कौन लेके आ रहा, 8 लेके आ रहा, तो हमारा एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ आया 8। तो हम लिखेंगे स्तंभों
तंबू, की अधिकतम संख्या 8 होगी, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। बात क्लियर हुई? कितनी होगी? 8 होगी। नेक्स्ट वाले पाते हैं भाई। नेक्स्ट वाला क्या कह रहे हैं? कह रहा है भाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करना है, प्रमेय का यूज, एल्गोरिदम का नहीं, प्रमेय का लेमा का यूज करके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धन किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होगा। हमें क्या करना है? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। ध्यान में रखना भाई, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, स्क्वायर करना है, इस बार स्क्वायर वर्गमूल निकालना है, और m है यहाँ पे वैल्यू, और 3m और ये है। अब देखते हैं भाई इनका प्रयोग कैसे करते हैं। फिर बिना माने कुछ बात पल्ले पड़ती ही नहीं है हमारे, तो हम मान के ही चलेंगे। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, तथा b क्या है भाई? 3 के साथ में, q के साथ में क्या है? 3m या 3q भी हम उसको मानते हैं, तो हम क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। क्या रखेंगे भैया? 3 रखेंगे। इसको इरेज करा समझाने वाला एक्स्ट्रा। अब भाई यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के द्वारा ए बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना, और ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन बी से एक छोटा होगा, तो ए बी की जगह पे 3, क्यू की जगह पे क्यू, आर। अब देखेंगे आर हो सक क्या क्या हो सकता है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 2 हो सकता है, 3 कभी भी नहीं होगा। अब क्या कहें, आगे देखते हैं। हमने r मान लिया, जब जब r बराबर 0 है, पहले वाले केस में आ जाते हैं, जब r बराबर 0 है, तो a 3q+0, a 3q आ गया भाई प्लस। अब क्या कह रहा है? धनात्मक वर्ग है का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, तो लिखेंगे वर्ग करने पर। तो भाई वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? ए स्क्वायर इधर भी, और इसका भी स्क्वायर, इसका भी वर्ग, तो ये हुआ 9 क्यू हो जाएगा, और इसमें से 3 × 3q की स्क्वायर लिख सकते हैं 3। इसको हम इतने को क्या मान लिया हमने? इसको हमने मान लिया m मान लिया। क्या मान लिया भैया? हमने इसको माना m, इसको हमने क्या मान लिया? m मान लिया, इतने को हमने क्या मान लिया? m। तो लिखेंगे यहां m एक धनात्मक पूर्णांक है, अब नेक्स्ट वाले पाते हैं। तो हम अगले वाले पाते हैं, हमने 0 रख दिया, अब हमें रखने की किसकी बारी आई? 1 की। भाई 0 रख दिया, अब हम 1 रखेंगे, तो
तो वन रखते हैं भाई। जब आर इक्वल्स टू वन है, ए इक्वल्स टू थ्री क्यू प्लस वन, ठीक है ना। अब ये क्या है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करते हैं, किस किस बच्चे को एक आइडेंटिटी याद होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इन्हीं का यूज़ करना है। थ्री क्यू प्लस वन, थ्री क्यू का स्क्वायर प्लस टू ए क्या है, थ्री क्यू, बी क्या है, वन है, और ये क्या है, वन का स्क्वायर, तो ये नाइन क्यू प्लस सिक्स क्यू प्लस वन। तो भाई यहाँ पे लिखेंगे नाइन क्यू स्क्वायर सिक्स क्यू प्लस वन। अब इतने में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, थ्री क्यू, थ्री ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, थ्री क्यू स्क्वायर प्लस थ्री क्यू प्लस वन, और इतने में से हमने इसको क्या मान लिया, एम मान लिया, थ्री एम प्लस वन, यहाँ यहाँ एम एक धनात्मक पूर्णांक है, एम एक धनात्मक पूर्णांक है। अब ले लेते हैं भाई, इरेजर यूज़ करते हैं इस साइड का, या लिखे रहने देता हूँ आपको, जब नोट्स दूंगा तो ये आपको मिल जाएगा। अब हमने वन ले लिया, अब हमें किसको लेने की बारी आई, क्या क्या रिमाइंडर हो सकता था, जीरो हो सकता था, वन ले लिया, अब टू लेने की बारी आई। तो जब आर बराबर टू है, ए थ्री क्यू प्लस टू, अब इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, थ्री क्यू प्लस आर का स्क्वायर, ये नाइन क्यू हो जाएगा, ए प्लस बी को स्क्वायर पे रखेंगे, ये होगा दो छः बारह क्यू प्लस दो का स्क्वायर चार, ठीक है। अब इतने में से हम लेते हैं, इसको सबसे पहले हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। फोर को हम क्या लिख सकते हैं, थ्री प्लस वन लिख सकते हैं, और इतने में से हमने क्या कॉमन ले लिया, थ्री कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, थ्री कॉमन ले लिया, थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस वन प्लस वन, दैट मीन्स ये क्या हुआ, ये एम हो गया, तो थ्री थ्री एम प्लस वन, यहाँ एम एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिए भैया, यहाँ इन सारी चीज़ों से बात पता चलती है, लेटर यूज करते हैं और समझाते हैं। देखो थ्री एम प्लस वन और थ्री एम प्लस वन यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या आ गया, थ्री एम आया। तो भाई हमें यही पूछ रहा था ना कि धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का क्या हो सकता है, थ्री एम प्लस थ्री एम या थ्री एम प्लस वन। तो हम लिखेंगे किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, लिखेंगे हाइलाइटर से ही लिख दो रेड कलर करके, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग थ्री एम या थ्री एम प्लस वन के रूप में व्यक्त किया
जा सकता है जहां एम एक धनात्मक पूर्णांक है ठीक है ना। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m हो सकता है या 3m प्लस 1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां m एक धनात्मक पूर्णांक है। एवरी स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज एक्सप्रेस इज कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 3m या और 3m प्लस 1 वेयर m इक्वल्स टू एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कहते हैं भैया, हमें लेना है 9, इसको 9m 9 प्लस m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 और इसमें क्या कह रहे हैं, धनात्मक पूर्णांकों का घन क्यू पूछ रहा है, पावर कितनी होगी, 3 होगी इसकी ठीक है ना। तो हम लिखते हैं भाई, बिना माने भाई पेंडा नहीं छूटने वाला, तो लिखते हैं भाई, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है तथा बी एक, बी क्या मानेंगे हम, 3 मानेंगे इस बार, क्यों मानेंगे, 9 से रिमाइंडर कितना हो सकता है, 9 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो सकता है और हर जगह पे चेक करना संभव है ही नहीं। यहाँ पे धनात्मक घन इसका निकालना है, क्या निकालना है, घन निकालना है। अगर 3 का घन निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा और 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 3 लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे 9 के फॉर्म में ला सकते हैं, इसलिए हमने 3 रखा ठीक है ना। अभी जब हम प्रश्न का सॉल्व कर लेंगे, प्रश्न को इसका समाधान कर लेंगे, तो आपको समझ में आएगा 3 क्यों माना गया ठीक है ना। अभी मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा ठीक है ना। अब लेते हैं भैया a इक्वल्स टू b क्यूब प्लस r, r क्या है, 0 या r क्या हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है और एक मिनट r इरेज कर लेने दो, r क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है लेकिन b से छोटा रहेगा, बात क्लियर होगी। अब हमने लिया, हमें हमने रखा b को और r इतना है, r इक्वल्स टू 0 1 2 ठीक है ना। जब जब r बराबर 0 होता है तो a इक्वल्स टू 3q प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा, 3q। अब 3q का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, घन करने पर, करने पर दोनों पक्षों में घन करने पर तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, 3 रख देंगे सबकी, तो ये घन ये होगा 27 और ये 3q, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 × 3q। तो इतने को हमने क्या मान लिया, m मान लिया, 9m 9m बराबर यहाँ पे m, यहाँ m एक धनात्मक
पूर्णांक है। तो लिखेंगे नेक्स्ट वाले में, भाई हमने जीरो ले लिया, अब हमें किसकी लेने की बारी आ गई, हम पुट करेंगे आर की जगह पे वन। तो भाई जब जब आर वन है तो ए बराबर थ्री क्यू प्लस वन। अब भाई घन करने पर तो ए क्यूब, अच्छा कौन कौन सा बच्चा इस आइडेंटिटी को जानता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ये होता है ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस क्यूब को हम निकालते हैं, थ्री क्यू प्लस वन के क्यूब, थ्री क्यू कितना हो गया सत्ताईस क्यू, यहाँ कितना हो गया थ्री क्यू, थ्री ए का स्क्वायर कितना हो गया नौ क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे वन थ्री थ्री क्यू इंटू में वन, और थ्री कितना हो गया जितना हो जाएगा, अब ये हो गया सत्ताईस क्यू क्यू क्यू, और यहाँ पे हो गया सत्ताईस क्यू स्क्वायर या नौ क्यू प्लस वन। अब यहाँ से थ्री को कॉमन ले, नाइन को कॉमन ले लिया क्योंकि हमें नौ की फॉर्म में देना ना नौ, इसलिए हमने कॉमन लिया थ्री क्यू, थ्री क्यू क्यू थ्री क्यू स्क्वायर प्लस वन प्लस वन। यहाँ पे हमने ले लिया भाई, इसको हमने क्या मान लेना है, तो हम इसके डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे सत्ताईस क्यू क्यूब सत्ताईस क्यू स्क्वायर और नौ क्यू प्लस वन। अब हमने ले लिया भाई, इरेज कर देना है, हमने इरेज कर दिया था फोर को। अब हम फिर यूज़ करते हैं भाई, यहाँ पे नाइन कॉमन ले लिया हमने, थ्री क्यू प्लस थ्री क्यू स्क्वायर वन, इतने में से हमने कॉमन लिया नाइन को, यहाँ पे वन, तो इसको हमने एम मान लिया वन, यहाँ जहाँ हमने m को माना है यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ जहाँ m की शुरुआत होती है वही मानते हैं, वहीं से हम लिखते हैं, यहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है। अब हम भाई इसको लेंगे, यहाँ पे हमने ज़ीरो ले लिया, वन ले लिया, अब क्या रखेंगे, टू रखेंगे। तो अब रखते हैं भाई, जब जब r इक्वल्स टू टू है, a थ्री क्यू प्लस आर, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे हम भाई, a प्लस बी का क्या निकालेंगे, होल स्क्वायर निकालेंगे, a प्लस बी का हमें निकालना क्या है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे घन करने पर, यहीं पे घन कर देता हूँ मैं, तो ये आएगा सत्ताईस क्यू प्लस सत्ताईस क्यू, सत्ताईस क्यू प्लस, एक मिनट इरेज करता हूँ मैं, सत्ताईस क्यू होगा, सत्ताईस क्यू प्लस चौवन क्यू स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स क्यू प्लस एट। अब इसमें से हमको कॉमन ले लेना है नाइन को, नाइन कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा,
3q³ 6q² 4q+8, इसको हमने इतने को हमने क्या मान लेना है, m मान लेना है। अब नेक्स्ट वाले पेज पे मानते हैं, a³ = 9m+8, यहाँ पे m, यहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है। अब देखते हैं भैया नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट हाईलाइट, नेक्स्ट पेन यूज करते हैं। तो हमें ये बात का पता चला क्या क्या, कि भाई ये वाला इस क्यूब के और ये वाला इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हमें पता चल गया कि भाई 9m, 9m+1, 9m+4 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लिखेंगे किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m और 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है या व्यक्त किया जा सकता है। तो हम लिखेंगे अर्थात अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 तथा 9m+8 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जहां m एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है भैया, समझ में आए? अब नेक्स्ट वाले देखते हैं। थैंक यू वेरी मच भाई, लेक्चर एंड हुआ भाई। एके ई लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब चैनल पे अगर देख रहे हो। अगर वेबसाइट पे देख रहे हो तो भाई आप यूट्यूब के बारे में ही जानते होंगे। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए नोट्स के लिए, पीडीएफ नोट्स के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने की। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, एके लर्निंग नाम से है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना, एके लर्निंग, ठीक है ना। और चैप्टर समाप्त हुआ, चैप्टर नहीं एक्सरसाइज समाप्त हुई। अभी तो एक्सरसाइज में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जानकारियां आपको हासिल करनी है। स्टॉप रिकॉर्डिंग।